मन मचल लिया है। काफी अरसे से तुम्हारा दीदार नहीं हुआ है। आज तो मिलकर ही रहेंगे सनम। बस किसी जालिम की याद सता गई है। अरे कौन है वो जालिम? हमें भी तो पता लगे, कोई ताजा वारदात लग रही है। वहाँ जब बाजी बड़ी हो ना तो शेर छोटी मोटी हार का गम नहीं करता। अभी मेरे तरकश में जो आखिरी तीर है, जब मैं वो चलाऊंगा तो तुम देखना कि बाजी मेरे ही हाथ रहेगी। चल दबा दबा। साथ मोहल्ले में ना एक गर्मा गर्म खबर चल रही है, सोचा तुम्हें सुनाता चलूं। अबे क्या खबर चल रही है, तो बहुत खबरें उड़ती रहती है। बता क्या बात है? कोई टीम आ रही है, शाहिद दुकानदार बता रहा था। अबे चल बे, अबे चबड्डी है या टिटी मौजी होती है? अरे नहीं उस्ताद, कोई सरकारी टीम है, सरकारी। अबे सरकारी? अबे ओ पत्ती रिपोर्ट लेके आ, चल निकल। शाबाश निकल। जाता हूँ उस्ताद, अभी आता हूँ। शाबाश। अबे कैसा ढीला आदमी है, ये तो खबर ही नहीं दी देती। ओ सुनिएगा, आदाब। कैसे मिजाज हैं आपते? अल्लाह का बहुत शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन तुम्हारे मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, जगह जगह से उतरे हुए लग रहे हो। लगता है कि थाने में बहुत मेहमानदारी हुई है पप्पू डेंजर की। अरे बिल्कुल ठीक था आपने, आपकी फरमाइश पे तो थाने दे थे। अरे भाई हलता तो आपके बारे में क्या 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 कह रहा था मैंने। ओए चुप, इतने आधे नहीं, मैंने चुपता रहा दिया था उसको। उस निकम्मे के बारे में परवाह करती है मेरी जूती। और मेरी बात कान खोल के और गौर से सुन लो, आज के बाद अदील या उसके घर वालों की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा या कोई भी कार्रवाई साजिश करी तो मैं मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। चल भाई निकल, यार बात कर रहे, तुझे पता नहीं था। निकल निकल। वैसे जी जो मिजादे यार में आए खुलते दरो, इसी बहादुरी पे तो पप्पू डेंजर खत्म हो गया है। मतलब कि पप्पू डेंजर को मुझसे इश्क हो गया है, है ना पप्पू डेंजर? अच्छा पप्पू डेंजर मैं चलती हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे मोहल्ले में किसी को लेके आना। अच्छा तो लगता है अब किसी नए नमूने की इंटरव्यू होने वाली है इधर। वो कोई नमूना नहीं है, सरकारी ऑफिसर है समझे। अबे क्या पुलिस से पिटवा दे, दिल नहीं भरा तुम्हारा? अब किस सरकारी अफसर को बुला रही हो उधर? लगता है कि मोहल्ले में आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं। मैंने बल्दिया डिपार्टमेंट को फोन कर दिया है ताकि इन जैसे आवारा कुत्तों को पकड़ के ले जाए, समझे पप्पू डेंजर। अबे इससे पहले के पुरानी तानी दोहराई जाए, पप्पू डेंजर बच लो निकल लो। अम्मा अम्मा आजकल ये अब्बा ने कुछ ज्यादा ही नहीं बाहर जाना शुरू कर दिया है। अरे छोड़ो, टापे का मुर्गा है, दड़बे के आसपास ही घूमता है। अल्लाह बख्शे तुम्हारी नानी को, कहा करती थी कि जमाना भले कितना ही बदल जाए मर्द की फितरत नहीं बदलती। अम्मा वो तो सही है, मगर शगुफ्ता के मुतालिक बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही है कॉलोनी में। हाँ कुछ बातें मेरे कानों तक भी आई है। अम्मा एक नंबर की कुटनी औरत थी वो, सारे कॉलोनी के मर्दों को ऐसा चूना लगाया मत पूछो। अरे औरों को लगाया होगा मगर तुम्हारे अब्बा को नहीं। आपको अब्बा पर बड़ा ही भरोसा है? तुम्हारे अब्बा पे नहीं, उनकी खसीस फितरत पे। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे तुम अपने अब्बा की फितरत को क्या जानो, वो अपना बुखार किसी को ना दे, माल देना तो दरकिनार है। मगर अम्मा शगुफ्ता के मुतासरीन में अब्बा का नाम मिर्जा अंकल के साथ साथ है। अरे मिर्जा अंकल कौन से दूध के धुले में, वो भी कंजूसी में तुम्हारे अब्बा के भाई बंद है। अच्छा मगर वो जो अब्बा इतने कीमती परफ्यूम लेकर आए घर में वो किस लिए? हाँ अरे बोल्टन मार्केट से लाए हैं, चोर मार्केट से लेबल लगवाया, उनके अंदर जो कुछ है ना उसकी हकीकत सिर्फ मैं ही जानती हूँ। है अम्मा सच्ची? हाँ मुच्ची, और क्या पूछोगी? इसका मतलब है अब्बा को ना कोई जूना नहीं लगा सकता। अरे जो मर्द शादी में अपने सालियों को सलामी में जाली नोट दे सकता है उससे बड़ा शूम कौन हो सकता है। इसका मतलब जवानी में भी ये गार
कारनामे कर चुके हैं। अम्मा वैसे तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम सेट है। और तू भी बहुत हिट है क्योंकि हमारी बेटी है ना तू। पड़ोसन बतला रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में कुछ लफंगे घुसाए थे। कौन थे वो? बेगम, तुम्हारी पड़ोसन के कान हैं या राडार जो इधर उधर की आस पड़ोस की खबरें सुनती रहती है? हाँ। बात को ना बदलो मियाँ, मेरी बात का जवाब दो। अरे भाई कोई गैर वैर नहीं थे, बन्ने और खाली थे भाई, वो फुर्सत थी आ गए थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे हम लोग। हाँ। पड़ोसन ये भी बतला रही थी कि तुम लोगों के गुफ्तगू में बार बार शगुफ्ता का नाम आ रहा था। शगुफ्ता का नाम? भला हमारे गुफ्तगू में शगुफ्ता का नाम क्या आएगा है? तुम झूठ बोल रहे हो मियाँ, मुझे सब मालूम है क्योंकि तुम जब भी झूठ बोलते हो तुम्हारे नाक के नथने फूलने लगते हैं। इस वक्त भी तुम्हारे नथने फूले हुए हैं। ये बन्ने वही दुकानदार है ना जो शगुफ्ता के चक्कर में आके दिवालिया हो गया? हाँ भाई हाँ, शगुफ्ता के चक्कर में आके बेचारा अपनी दुकान गंवा बैठा। तुमने भी तो शगुफ्ता के चक्कर में दुकान का तिया पाचा कर दिया। वो तो उधार का खाता खुला हुआ था मेरे पास, इसीलिए मैं तुम पे सख्त नजर रखती हूँ। तुम तो खड़ूस बुढ़िया की बातों में आकर अपने शौहर इनामदार पर शक कर रही हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितने रंगीन मिजाज हो। अरे भाई बेगम, सारी रंगीन मिजाजी तो हमने तुम पर निछावर कर दी, अब हमारे पास बचा ही क्या है? खामा खा मक्खन मत लगाओ। अब्बा बाहर कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन है भाई? कहते हैं सुनार हैं और आपके अब्बा से 3 तोले सोने के पैसे लेने हैं। अबे बावले, उसे जाकर कह कि घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है घर में, जा बोल दे बोल दे। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि अब्बा कह रहे हैं कि हम घर पे नहीं है। अबे नहीं बावले, कना यहाँ कोई नहीं रहता, निकल निकल रहे यहाँ से। भाई ये कहाँ आ गया? भाई बेगम मैं 2 मिनट में आया। कहाँ चले मिया? अबे ओ, कहाँ ऊंट की तरह मुंह उठा के चला जा रहा है? अरे बाहर मुझे जरा काम है इसलिए जा रहा हूँ। अबे तुझ में अगर बाहर जाकर काम करने की सलाहियत होती ना तो मुझे नासरा के ताने नहीं सुनने पड़ते। इधर आके मेरी बात सुन। अरे क्या है बेटा? एक बात बता, ये नाइला की आजकल मोहल्ले में मसरूफियात क्या है? अरे अब्बा क्या मसरूफियात होगी, पूरा दिन शायद दुकानदार के घर में घुसी रहती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसके लौंडे जुनेद पर नजर है उसकी। ये सच कह रहा है हल्के? अरे नहीं क्या अब्बा, मुझसे क्या, पूरे मोहल्ले में उसका चर्चा हो रहा है, सबसे पूछ लो। और नासरा पुप्पो तो जैसे आंखें बंद करके बैठी हुई है। अबे लानत है तुझ पे कदूस, अपनी कजन को काबू नहीं कर सका। अब्बा वो तो लड़की समझ के मैं थोड़ा सा हल्का पड़ गया, वरना तो मैं काबू कर लेता। और ये गदूस क्या होता है भाई? अबे किसी नालायक को गधा और मनहूस कहना हो तो सिर्फ गदूस कह दो, बात एक ही है। अब्बा सुबह सुबह तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अबे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। हाँ ये तो है अब्बा। खैर छोड़ इन बातों को, मेरी बात सुन। मुझे तो लगता है नासरा को हमारे दूसरे धंधे की खबर हो गई है। ये क्या कह रहे हो अब्बा? अब्बा मुझ में थाने जाके पिटने की हिम्मत नहीं है ईमान से, बोलो कुत्ते की तरह धोते हैं, तुम्हें तो पता है कहाँ कहाँ मारते। अबे गौर से सुन वरना मैं तुझे धो दूंगा। अब किसी भी तरह इन माँ बेटियों को घर से निकालना है। हाँ, तो समझो अब्बा काम हो गया। क्यों ना हम नायला की शादी पप्पू डेंडर से करवा दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। अबे हाँ। आखिर तू बेटा किसका है? अब्बा मैं कल ही पप्पू डेंडर से आपको मिलवाता हूँ। नाइला ने अदील और मिर्जा अंकल के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। उस बिचारी ने हमारी वजह से शेख और पप्पू डेंजर ग्रुप से दुश्मनी मोल ले ली। हाँ जी, इस गरीब को क्या मिला सिवाय नुकसान के। नाइला जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? पूछो।
बुरा क्यों मनाऊंगी? आप अदील के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं, जबकि आप समेत हम सबको मालूम है कि वो आपसे नहीं नगीना से मोहब्बत करता है। ये दिल के मामला कुछ ऐसे होते हैं जुनैद, जिसमें उम्मीद इतनी जल्दी नहीं टूटती। नाइला ने अदील और मिर्जा अंकल के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और मुझे यकीन है कि मिर्जा अंकल जब भी इंसाफ का तराजू हाथ में लेंगे ना, तो मेरा पलड़ा उन्हें कभी भी झुका हुआ नहीं मिलेगा। मगर नाइला जी, क्या ये ज्यादती नहीं है कि आपकी मोहब्बत का फैसला अदील की बजाय मिर्जा अंकल कर रहे हैं? मुझे इन बातों की तमीज नहीं है नाइला जी, मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप उस साए का पीछा कर रही हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। ये तुम इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे हो जुनैद, इतनी सारी बातें तुमने कहाँ से सीख ली? मुझे खुद भी नहीं पता मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। जो ठीक समझा आपको कह दिया। लगता है कि तुम मेरी और अदील की मोहब्बत को बहुत अहमियत दे रहे हो। आपकी और अदील की मोहब्बत को नहीं, सिर्फ आपकी एक तरफा मोहब्बत को, क्योंकि आप अदील को अपनी मोहब्बत की बजाय उस पर किए गए एहसानात के बदले हासिल करना चाहती हैं। शायद मेरी बात बुरी लगी नाइला जी को, मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। देख भाई मिर्जा, दिल नहीं चाह रहा यार। अच्छा क्या कहना बता यार। मैं एक बात के बारे में बहुत दिनों से सोच लिया था, सोचा आज तुमसे भी मशवरा कर लूं। इसका मतलब ये है कि आजकल भी मौजात होते हैं? भाई क्या मतलब है तेरा इस बात से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। देख भाई सीधी सीधी बात है, आदमी सोचता दिमाग से है वो तेरे पास है नहीं, और बगैर दिमाग के जो तू सोचता है वो मौजा हुआ कि नहीं हुआ। भाई मिर्जे कभी तो संजीदा हो जाया कर। आई स्वेयर मैं संजीदा ही बोल रहा हूँ, चल आगे बोल। क्या भाई? मैं नाला के बारे में सोच रहा था, उस बिचारी ने हमारी वजह से शेख और पप्पू डेंजर ग्रुप से दुश्मनी मोल ले ली। हाँ जी, इस गरीब को क्या मिला सिवाय नुकसान के? भाई अब उस बच्ची के लिए हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ देने की? भाई उसे दुआओं के साथ साथ सहारे की भी जरूरत है, टूटी हुई लड़की है, और ये सहारा उसे जीवन साथी की सूरत में ही मिल जाए तो बेहतर है। यानी कि तुम्हारा मतलब ये कि उसके लिए कोई लड़का तलाश किया जाए? तुम्हारी नजर में कोई लमड़ा है? नहीं, मेरी नजर में तो नहीं है। बहरहाल तुम भी मोहल्ले में देखो, नजरें दौड़ाओ, शायद कोई मुनासिब लड़का मिल जाए। भाई पता नहीं, बार बार मेरी नजरें शाहिद के घर की तरफ जा रही है। मौजे वाली बात कर दी ना तूने। अबे भाई वो शाहिद का बेटा बौरम है, बौरम। कहां नाइला और कहां वो बेवकूफ जुनैद? भाई जुनैद में वैसे कोई कमी नहीं है, बस तबीयत का जरा सादा है, और नायला माशाल्लाह समझदार लड़की है, वो उसके रंग में रंग जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, शायद और उसकी बीवी ये दोनों राजी हो जाएंगे। मुझे तो बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि वो दोनों नायला को पसंद बहुत करते हैं। भाई करना भी चाहिए, भाई जुनैद को थाने से जो छुड़वाया था। तो फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है, फिर जो अल्लाह की मर्जी और जो बच्ची का नसीब। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, फिर बहाने से नहीं चाय मंगवाओगे, पी लो। कंजूस। नाइला कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी और तुम मुझे रास्ते में मिल गई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते मिल गई। क्या होता अगर मैं तुम्हारी मंजिल के रास्ते आ जाती? कुछ भी नहीं होता, और अगर ऐसा होता भी मैं तुम्हें एक तरफ हटा के अपनी मंजिल की तरफ गामसन हो जाती। अपनी मंजिल के बारे में तुम बहुत पुरुमी तो लगी ना। बहुत ही ज्यादा,
अपनी मंजिल के बारे में इतनी पुर उम्मीद ना होती तो अपनी मोहब्बत के रास्ते पे इस तरह से गामजन ना होती। खैर छोड़ो, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? काम तो ऐसे कुछ नहीं था, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया था? किस बात का? हल्का और उसके साथियों को बंद कराने का। वाकई तुम में हिम्मत थी, वरना मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। नगीना, मैं भी ये काम नहीं कर सकती थी अगर पप्पू डेंजर और हल्का अदील को नुकसान ना पहुंचाते तो। मगर मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ जब अदील ने सिर्फ और सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा किया। उसे मेरे जज्बात और मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं और ना ही उसको इस चीज का एहसास हुआ। अदील इस मामले में मजबूर है नायला। अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं होती तो शायद वो तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगा। सब मुकद्दरों का खेल है। हाँ नगीना, तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद यही खेल इंसानों के दरमियान नजर से खेला जा रहा। तुम एक अच्छी लड़की हो नायला। वो तो मैं ही बेवकूफ थी जिसने हमेशा तुम्हें गलत समझा दी के मामले में। मुझे माफ कर दो नायला। नायला आई थी आज, जुनैद को अपने साथ बाहर लेकर गई है। नायला को देखकर ये यकीन ही नहीं आता कि वो शेख जैसे नमूने की भांजी है। सही कहा आपने। वैसे शेख का जो बेटा है ना, वो बाप से दो कदम आगे है। दोनों बाप बेटे जो है ना, फसादी हैं, फसादी। कभी शेख ने तो आपके साथ झगड़ा नहीं किया? चक्कर तो चलाया था उसने, मैंने ठीक कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारे राशन में चूहे मारे दवाई मिला दूंगा, ठीक हो गया। वैसे आपने एक बात नोट की जुनैद में? हाँ, मैंने महसूस किया है कि कुछ दिनों से वो पहनने ओढ़ने पर खास तवज्जो दे रहा है, शायद नायला की वजह से। सही कहा आपने। जुनैद में ये तब्दीली मैं भी महसूस कर रही हूँ नायला के आने के बाद। वैसे बेगम एक बात है, मैं समझता हूँ कि हमारा बेटा जवान हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। सोच रही हूँ क्यों ना नायला और जुनैद की बात को आगे बढ़ाया जाए। ना, अभी बात ना करना, पहले नायला और उसके वालदेन के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। भाई मिर्जा और शराफत शेख के खानदान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इन दोनों से मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है जी, जैसा आप चाहो, मगर जल्दी करना। हाँ अदील, वैसे मुझे बाज़ दफ़ा ना नायला पर बहुत रहम आता है। और हम कर भी कह सकते हैं? सिर्फ दुआ कर सकते हैं। वैसे नगीना, तुमने उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। अदील, तुम्हें पता है नायला बहुत बदल गई है और उसके इस किरदार से अम्मा अब्बा बहुत खुश हैं। उसने मेरी वजह से हल्का और उसके ग्रुप से दुश्मनी ले ली, ये कोई छोटी बात नहीं है। और नायला के इसी रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लूं। वादा करो नगीना, ये रिश्ता तुम हमेशा निभाओगी। और अब्बा भी अम्मा से नायला की बहुत तारीफें कर रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया उससे दोस्ती करके, वैसे भी वो बहुत बहादुर लड़की है। और पता है हल्का, वो जो हल्का है वो भी नायला से बहुत डरा हुआ है। और नायला बता रही थी जब भी उसे रास्ते में मिलता है ना, उसे देखकर उसकी गिग्गी बन जाती है। वैसे नहीं ना, नायला की वजह से हल्का और उसका ग्रुप हमारे खिलाफ कोई भी साजिश करेंगे ना, 10 बार सोचेंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे घर में कुछ काम भी है और असाइनमेंट भी करना है। ठीक है, फोन पे बात करूंगी। ओके बाय। अरे भाई, मुझे लगता है कि आपके जेहन में नायला के लिए कोई खास बात है। है तो सही, मैं सोच रही हूँ अगर बात बन जाए तो नायला ठिकाने से लग जाएगी। ए, सुपरमैन थी बाप थी नायला जी, तो ताले तो उड़ा बेटे। ए जी जी नायला जी।